पसंद एक ही आ गई, भी हर इम्तिहान च फेल। प्रिंसिपल साहब तो मैं दो बार कह चुके कि इन्हू स्कूलों हटा लो। पैरालाइसिस करके एक कदे आम सधारण जिंदगी नहीं जी सकेगा, मजाक का पात्र बंदा जा रहा है। की गुनाह हो गया रब मिलता, एको एक पुत दिता तू ते हो भी शायद ये कर्मा चाहे कुछ लिखे यार की करा हूं। जम्मन ते मरना बहारां दी उस्त, रंगां दी उस्त, आकारां दी उस्त। रौनक शरीरां दी उस्त, जुरे ते दे आशक निगाहां दे सुचे, जुरे ते दे आशक निगाहां दे सुचे। ओ नलुए जहे शाह सवारां दी उस्त, तरंगां दी उस्त, आकारां दी उस्त। रुखां मनुखां ते कुखां दी उस्त, खेड़े दी बैठक च दुखां दी उस्त, हवावां दे ढोलक जमीन दे विछोणे, हवावां दे ढोलक जमीन दे विछोणे। के रुत्तां दे लहंगे त्योहारां दी उस्त, तरंगां दिस्त, लबाबां दिस्त, जो वंडे गए सी पंजाबां दिस्त। रोही दिनगमे ओ कुड़ियां ते कुंजां, रोही दिनगमे ओ कुड़ियां ते कुंजां, ओ खूहां खताना चलारां दी उस्त, रंगां दी उस्त, आकारां दी उस्त। उजाड़ा दी उस्त, पहाड़ां दी उस्त, है कणकां दी कलगी सियाड़ां दी उस्त। ओ सकियां यो कैंठे, ओ जुत्तियां ते जरकां, ओ चढ़दी जवानी दे आरां दी उस्त,
नानक दिवादी ओ गीतां दा पाणी ओ नानक दिवादी ओ गीतां दा पाणी ते गीतां च पंजां ककारां दी उस्त तिरंगां दी उस्त आकारां दी उस्त सुकून है जिंदगी च जिवें कला दे रस्ते तुरिया मेरी बखरी पछाण बनी आ मैनू बख उस्ताद की समझ आई है कि क्या उस्ताद की समझ नहीं आई लेकिन वीडियो बहुत अच्छी थी म्यूजिक बहुत अच्छा था गाया बहुत अच्छा था लेकिन उस्ताद नहीं पता चला कि मैं क्या था हर चीज का यानी कि उन्होंने कहा ना कि उसकी उस्ताद यानी बाकी अब कमेंट्स में बताएं कि क्या इसका मतलब सर मुझे तो जो समझ आया जैसा यानी कि होता नहीं कि मकसद कह लें या उन चीज़ों का या फिर या खूबसूरती नज़ारों की खूबसूरती बचपन के दोस्तों की हो सकता है या याद कह सकते हैं उनसियत जिसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनसे जो लगाव है जिसकी वजह से वो चीज़ें याद आती हैं जिस वजह से कि वो मुझे लगा है बाकी अब कॉमेंट्स में बताएंगे इसका असर मतलब बताएंगे मतलब तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमें अच्छा लगा गाना गाया अच्छा हुआ गाया बहुत अच्छा था सुनने में मज़ा आ रहा था लेकिन बात वही है कि वो जहाँ पे वो जहाँ वीडियो बहुत अच्छी थी ज़बरदस्त थी उसमें लफ्ज़ का यानी कि मतलब समझ आ जाएगा तो फिर और ज़्यादा अच्छा अच्छा गाना हाँ जिन उन्होंने पंजाबी गुरमुखी में भी लिखा शाहमुखी में भी लिखा लेकिन इसका मतलब अगर वो तो तलफ्फुज़ के लिए लिखा ना कि हम इसको सही तरह से बोल सके लेकिन मतलब किसी ने नहीं लिखा मतलब, तो मतलब भी बताएं इसका कि मतलब क्या है तब ज्यादा मतलब जो है इसका मतलब देखें और मिलते हैं बताएं कैसे हां मुलाकात होती है